राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पहले कीर्तन कर लो। अगली काशी 21 अप्रैल बुधवार, 29 भजले केशव कृष्ण कन्हैया, केशव कृष्ण कन्हैया। सारी आवाज बढ़ाओ। भजले केशव कृष्ण कन्हैया, भजले केशव बैठ जाओ, क्योंकि पीछे वालों को दिखाई नहीं पड़ता है। रात को नाचना। भजले कृष्ण कृष्ण कन्हैया, पार लगेगी नैया भैया, पार लगेगी नैया भैया, भजले केशव कृष्ण कन्हैया। भजले राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया, गोपाल गोपाल। गोपाल गोपाल Govinda, Govinda, Bhajle Keshav Krishna Kanhaiya, चारों युगों में केवल भगवान ही हैं, न माँ न बाप, न स्त्री, न पुत्र। जैसे पहले प्रहलाद जी भय, जब प्रहलाद ने टेर पुकारो, जब प्रहलाद ने तेर पुकारो, तेर पुकारो हरि को सुमरियो, प्रहलाद जी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान को कभी नहीं बुलाया। बड़ी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन वो भगवान से मतलब के लिए प्यार नहीं करते थे, केवल भगवान का स्मरण करते थे। हम लोग मतलबी हैं, दुख में चिल्लाते हैं भगवान को, और दुख में दुख को हटाने के लिए भगवान को मत चिल्लाओ, केवल भगवान को याद करो।
तो प्रहलाद जी ने कहा है उनको मारने के लिए दिग्गज हाथी लाए गए, दिग्गज मने जो दिशाओं को पकड़े बैठे हैं, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को 10 देवता रूपी हाथियों ने पकड़ रखा है। सब देवताओं को हिरण्यकश्यप ने जीत दिया था और उनको मारने के लिए दिग्गज बुलाए गए। दिग्गज मने जो हाथी दिशाओं को पकड़े बैठे हैं, दिग्गज ना हो तो सारी दिशाएं टूट जाएंगी। ये प्रलय के समय होता है, सब दिशाएं टूट जाती हैं और संसार नष्ट हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने दिग्गजों को बुलाया कि लड़का मरता नहीं है, तुम लोग इसको मारो। वो आए, उनके दांत पहाड़ों से बड़े बड़े थे और उन्होंने दांतों से उस छोटे से लड़के पर प्रहार किया और जैसे प्रहलाद के शरीर के पास पहुंचे दांत, सब दांत चूर चूर हो गए पाउडर के तरह। तो ये पूछा लोगों ने कि प्रहलाद तेरे में ये शक्ति कहां से आई? तो प्रहलाद बोले, दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा, ये दांत इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर थे। हीरणा बिखर गए चूर चूर होकर के, यदेते न बलम मवई तत, इसमें कोई हमारी ताकत नहीं है। क्यों? बोले तुमने बुलाया था भगवान को? बोले नहीं। महाविपत्ता पन्याश विनाशनोयम जनार्दनान स्मरणानुभव, हम केवल भगवान की याद करते हैं, मतलब के लिए नहीं बुलाते कि आओ हमें दुख दूर करो। महाविपत्ता विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभव, तो प्रहलाद जी ने केवल भगवान की याद किया था। जब प्रहलाद ने हरि को सुमरियो, खंभ पाण हिरना कुश मार्यो, खंब फाड़ हिरना कुश मार्यो, खंब फाड़ हिरना कुश मार्यो, कैसे मारा? कोई हथियार से नहीं, जांग पर रख लिया और जांग पर रख करके भगवान ने उसको चीर दिया, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। जांघन धर के असुर बिदार्यो, जांघन धर के असुर बिदार्यो, नरसिंह रूप धरैया भैया, नरसिंह रूप धरैया भैया, नरसिंह रूप धरैया भैया, नरसिंह रूप धरैया भैया, सजले
केशव कृष्ण कन्हैया, भजले केशव कृष्ण कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया। इसलिए भगवान का स्मरण सीखना ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। क्या कहा? ये पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं है आजकल। उसी पढ़ाई को यहां पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि तुम लोग सब संसार भूल जाओ, केवल भगवान की याद करो। भजले केशव कृष्ण कन्हैया, भजले केशव कृष्ण कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया। उसके पहले गज और ग्राह, इस समय भगवान उसको बचाने आए थे। उसने भी भगवान की याद किया था। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। वो गजग्राह ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के हाथी, पहाड़ जैसे गजराज, ये शाप से बने थे। ऐसी ताकत हाथी में नहीं आ सकती, ऐसी ताकत ग्राह में नहीं आ सकती, लेकिन वो सब शाप से बने थे। लड़े हजारों वर्ष तक लड़े, सहस बदन गजराज युद्ध भयो, हजारों वर्ष तक लड़ते रहे। और जो भर सुन रही जल ऊपर, गजराज ने ग्राह ने पकड़ा और पानी में हार गया, और सिर्फ जो भर सूंड रह गई थी। उसने भगवान की याद किया, जो भर सुन रही जल ऊपर, क्या याद किया? यह कश्चनेशो, कोई जो भगवान है इस संसार में, एक अजगर है जिसको काल कहते हैं, वो सबको खा रहा है। उस काल रूपी सर्प को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं। आकाश में चले जाओ वहां भी काल है, पानी में चले जाओ वहां भी काल है, पृथ्वी में कहीं चले जाओ काल है। बलिनोन्तकोर्गात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम, चारों ओर दौड़ रहा है, उससे बचाने वाला कोई नहीं दुनिया में। भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात, कोई डर करके भगवान की शरण में चला जाए तो उसके डर से मौत भी भागती, मृत्यु प्रधावत तरणम तमी में है, काल भी उसके डर से भागता है,
वो है भगवान, वो रक्षा करता है। वे भगवान आए आकाश में गरुड़ पर चढ़ करके, और गजराज ने देखा पानी के भीतर से एक नीली ज्योति आ रही आकाश से। समझ गया कि ये भगवान हैं। अब भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो पूजा कैसे करेगा बेचारा, सारा शरीर भीतर है पानी में, सूंड है जरा से थोड़ी सी। तो भगवान ही पूजा करने की, भजन करने की शक्ति देते हैं। हम तुम भजन नहीं कर सकते। तो वो वहीं एक फूल उसको मिल गया, सूंड घुमाया, समुद्र में कमल का फूल भगवान की इच्छा से आया। वो फूल उसने तोड़ा सूंड से और भगवान को अर्पित किया। सुनता सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य सांभुज करम। वो कमल को अपने सूंड से उठाया और बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, आपको नमस्कार है, बस इतना ही कहा। भगवान ने उस फूल को ले लिया और इच्छा किया, जो भर सून नहीं जनऊ पर एक पुष्प हर एक पुष्प सौंप्यो हरि ऊपर गज की टेर सुनैया भैया गज की टेर सुनैया भैया बजले केशव कृष्ण कन्हैया बजले केशव कृष्ण कन्हैया बजले राधा कुंवर कन्हैया बजले राधा कुंवर कन्हैया। द्रौपदी को नंगा करने के लिए कौरव लोग सभा के बीच में, जो संसार की महारानी थी, ऐसा अत्याचार आज तक कभी नहीं हुआ। एक संसार की सबसे सुंदरी, सबसे बड़ी महारानी और सभा में नंगी की जा रही है और कोई बचाने वाला नहीं, देवता नहीं है, उसके पति नहीं है जो देवताओं को जीत सकते थे, लेकिन धर्म बंधन में बंधे थे। भीष्म पितामह थे जो देवताओं को जीत लेते थे, द्रोणाचार्य थे, कोई बचाने वाला नहीं, सब धर्म बंधन में बंधे। बीच सभा द्रौपदी पुकारी बीच सभा द्रौपदी पुकारी द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, इन लोगों ने पुकारा नहीं था अपनी रक्षा के लिए। द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, बीच सभा द्रौपदी पुकारी बीच सभा द्रौपदी पुकारी रक्षा मेरी करो मुरारी रक्षा मेरी करो मुरारी
दुशासन ने चीर उघारी, दुशासन ने चीर उघारी। भगवान चीर बढ़ाने के लिए गए, गरुड़ पे नहीं नंगे पांव उसी समय पहुंच गए वहां। नंगे पायन धैया भैया, नंगे पायन धैया भैया, नंगे पायन धैया भैया, नंगे पायन धैया भैया। भजले केशव कृष्ण कन्हैया, भजले केशव कृष्ण कन्हैया, राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया, भजले राधा कुंवर कन्हैया। इसके बाद एक और घटना सुना दें। महाभारत की लड़ाई भई, उसमें जाने कितने लाख आदमी मर गए, अस्त्र चले, शस्त्र चले, ब्रह्मास्त्र चला जो सारी दुनिया को जला दे। और सब मर गए, एक चिड़िया का अंडा बचा रहा। ये कैसे हुआ, जहां इतने लाख आदमी मर गए वो चिड़िया का अंडा अंडा था भारूई पक्षी का, युद्ध क्षेत्र में पड़ा था, सेनाएं लड़ती रहीं और एक घंटा हाथी का, भगदत्त राजा था चीन देश का, सारी दुनिया की फौजें लड़ी थी यहाँ, उसका हाथी ऐसा था, उस हाथी को भगदत्त ही रोक सकता था, ऐसा बड़ा हाथी दुनिया में नहीं था कोई। उस हाथी का एक घंटा था, वो इतना बड़ा था जैसे समझो मकान से बड़ा। जब भगदत्त का हाथी मरा है तो उसका घंटा टूट करके गिरा और घंटे के बीच में अंडा आ गया। वो घंटा इतना बड़ा था कि उसको कोई हटा नहीं सकता था और सारी लड़ाई हो गई, वो घंटा वहीं रहा और उसके बीच में अंडे थे। युद्ध खत्म होने के बाद सब लाशें हटाई गईं, तब घंटा भी हटाया गया, उस घंटे में से चिड़िया के बच्चे निकले। तो लोग सोचने लगे इतने लाख मर गए लोग, ये अंडा नहीं टूटा, क्योंकि भगवान जिसको बचाता है। उठा महाभारत का झंडा, उठा महाभारत का झंडा, गोपाल 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 गोपाल। उठा महाभारत का झंडा, उठा महाभारत का झंडा,
कट कट वीर गिरे हैं रुंडा, कट कट वीर गिरे हैं रुंडा, कट कट वीर गिरे हैं रुंडा, कट कट वीर गिरे हैं रुंडा। रुंडा माने आधा धड़, जो मूड कट गया तो बाकी शरीर रुंड है। जाने कितने वीर मर गए, लेकिन नीचे पड़ा भारी कांडा, नीचे पड़ा भारी कांडा, नीचे पड़ा भारी कांडा, नीचे पड़ा भारी कांडा, घंटा तोर बचैया भैया, तोर बचैया भैया, घंटा तोर बचैया भैया, घंटा तोर बचैया भैया, बजले केशव कृष्ण कन्हैया, बजले केशव कृष्ण कन्हैया, बजले केशव कृष्ण कन्हैया, बजले केशव कृष्ण कन्हैया, पार लगेगी नैया भैया, पार लगेगी नैया भैया, राधा कुंवर कन्हैया भजले, राधा कुंवर कन्हैया, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, राधिका 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 राधिका, राधिका 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 राधिका, बजले केशव कृष्ण कन्हैया, बजले केशव कृष्ण कन्हैया। भगवान का स्मरण करना अगर प्राणी सीख जाए तो जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, गिनती नहीं है। एक एक योनियों में लाखों लाखों बाद हम लोग मरे जिए, अनगिनत बार पक्षी बने, अनगिनती बार मनुष्य बने, अनगिनती बार पशु बने, जल के जीव बने, सर्प बने, मछली बने, 84 लाख योनियों में, एक एक योनियों में अब तक गिनती नहीं कितने बार हम लोग मरे जिए। और सब जितने कर्म हैं वहाँ किए हैं उसका भोग भोगना बाकी है। उस कर्म के बंधन से केवल भगवान छुड़ाता है, माँ नहीं छुड़ा सकती, बाप नहीं छुड़ा सकता, स्त्री नहीं छुड़ा सकती, पति नहीं छुड़ा सकता, केवल कौन छुड़ाता है, कब छुड़ाता है, जब उसकी शरण में जाओगे। इसलिए सबसे बड़ी पढ़ाई है भगवान की शरण की बात सीखना, ये पढ़ाई कहीं नहीं है दुनिया में। स्कूलों में पढ़ाते हैं क्या, स्कूल में तो और कहेंगे कीर्तन वीर्तन बंद कर दो, यहां सिर्फ यही 24 घंटा ये होता है। सवेरे उठे जाओ, परिक्रमा करो श्री जी की कीर्तन करते हुए,
फिर वहाँ से आए, सत्संग हुआ। रात में भी होता है, सब लोग जानते हो। तो बहुत से लड़के चले गए, क्योंकि अंग्रेजी नहीं है, गणित नहीं है। इसी ने ये मान मंदिर में उस स्कूल से नीचे वाले से अलग खोला गया, जो केवल भक्ति चाहते हैं। संसारी माँ बाप तो चाहते हैं हमारा लड़का हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, अंग्रेजी पढ़े। यहाँ गुरुकुल इसीलिए खोला गया कि केवल भक्ति की शिक्षा हो। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सब बातें पढ़ाई जाती हैं, जिससे इस लोभ में बच्चे रुके रहें और भक्ति सीखें। भक्ति दुनिया में कहीं नहीं है। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिले जो संत होई अनुकूला। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भक्ति भगवान की केवल भक्तों के पास मिलेगी, संतों के पास। तो ये अब छोटी सी तुमको कथा भी सुना दें, जिसको जाना हो जल्दी चले जाना। भक्त लाल बेग की कथा सुना रहे हैं। क्या नाम? लाल बेग की भक्त की कथा सुना रहे हैं कि दुनिया में न माँ न पिता, कोई नहीं है। भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है। लाल बेग भक्त नहीं था, लाल बेग एक मुसलमान ना शासक था। इसने मुसलमान लोग पहले हिंदुओं को हरा करके और इनकी स्त्रियों को छीन लेते थे। ये लाल बेग गजपति शासक जगन्नाथ जी के राजा को हरा दिया, और कोई हिंदू लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको ले गया और उसको अपनी रानी बनाया। एक स्त्री फौज से नहीं लड़ सकती, और उसको रानी बनना पड़ा। लेकिन वो माँ भक्त थी। उसके जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था साल बेग। क्या नाम था? साल बेग भी अपने पिता लाल बेग के साथ लड़ता था और हिंदुओं को हराता था। जो जगन्नाथ जी का राजा हारा तो उसमें साल बेग ने भी बड़ा युद्ध किया। और सिर में चोट लग गई,
चोट लग गई तो बहुत दिन तक लाल बेग जो उसका पिता था इलाज कराया, अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बहुत से लड़के थे, बहुत सी रानियां थी, और उसने फिर छोड़ दिया बेटे को। भाई ये नहीं बचेगा तो क्या करें, मरने दो। वो खाट पर पड़ा और दर्द में चिल्लाता रहता था। उसकी माँ वो हिंदुवानी थी, भक्त थी, उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा और दिन रात उसको भगवान की चरित सुनाती थी। वो कहता था, माँ अब मैं बचूंगा नहीं। तो माँ कहती थी, बेटा तेरा पिता छोड़ गया क्योंकि तेरे बहुत से भाई हैं और अब वो दुनिया में हमारा कोई नहीं है, केवल भगवान है। तो बच्चा छोटा था, छोटा नहीं था, बड़ा था, घायल हो गया था लड़ाई में। तब उसने कहा, भगवान कौन है माँ, क्योंकि मुसलमानी पढ़ाई में भगवान नहीं पढ़ाया जाता। तो माँ कहती थी, भगवान है, भगवान को बुलाओगे तो आएगा, भगवान सुनता है। तो सुनाती थी ध्रुव की, प्रहलाद की कथा, बेटा ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने निकाल दिया था, तो वो जंगल गया, राजा का बेटा था, उसने ध्रुव पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी सौतेली माँ बड़ी सुंदर थी। ध्रुव गया अपनी माँ के पास रोते रोते कि माँ हमको पिताजी ने गोद से उतार दिया, निकाल दिया समझो, अब मैं क्या करूं। माँ बोली, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तेरा बाप राजा है, मेरी भी कीमत नहीं है वहां। एक काम कर, ध्रुव ने पूछा कि मेरे बाप से भी बड़ा कोई है? बोले हाँ, तेरे बाप से नहीं संसार में सबसे बड़ा है वो भगवान है, उसका भजन कर वो मिलता है। तो ध्रुव ने भजन किया और 6 महीने में भगवान मिल गए। ऐसे प्रहलाद जी की कथा सुनाती थी अपने बेटे को, किसको, साल्वेक को, किसको सुनाती थी, वो खाट पर पड़ा और मरणशैया पे खोपड़ी फट गई थी, मरने वाला था। वो सुनता था बड़े ध्यान से, कभी द्रौपदी की बात सुनाती थी, कभी शबरी की बात सुनाती थी। उस बच्चे को विश्वास हो गया, विश्वास से ही भगवान मिलते हैं भाई।
हमको तुमको विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। वो बोली कि मैं तो हिंदू बेटी हूं, तेरी मदद कर नहीं कर सकती। तेरा बाप मुझे पकड़ लाया और जबरदस्ती रानी बनाया, बच्चा पैदा किया, लेकिन हमारे हृदय में भगवान है। तू भगवान की याद कर और भगवान आएंगे तुझे बचाएंगे। उसने कहा कि माँ, मैं तो मरने वाला हूं, मैं ध्रुव तो होने के 6 महीने तपस्या करूं, मरने वाला तो है लेकिन भगवान आएंगे। जिस दिन तेरी पुकार सच्ची निकलेगी उसी दिन आ जाएंगे। तो खाट पर पड़ा पड़ा गोपाल को बुलाता था, बारह दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। 12 दिन रात गोपाल को बुलाता था, क्योंकि जान गया न हमारी कोई माँ है न बाप है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब सच्चे मन से पुकार निकली। आदमी सोचता है ये हमारा भाई है बचाएगा, ये माँ बचाएगी, ये बाप बचाएगा। हम लोग मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते। लड़कपन से बच्चा माँ का सहारा देखता है, फिर बड़ा हुआ तो बाप का सहारा देखता है। नर आशा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी मनुष्य की आशा। भगवान ने कहा एक चौपाई, मोर दास कहाई नर आशा। जब तक तुम नर आशा करोगे भगवान पर विश्वास नहीं है। ब्याह होगा तो स्त्री पति की आशा करती है, पति स्त्री की आशा करता है, ये हमारी सेवा करेगी। बच्चा माँ की आशा करता है, पिता की आशा करता है। जब सब आशाएं टूट जाती हैं तब भगवान की आशा आती है। तो साल बेग ने जो 12वें दिन उसको भगवान मिले, ध्रुव को फिर भी 6 महीने लग गए थे, इसको 12 दिन में चमत्कार हुआ, क्योंकि समझ गया न माँ न बाप, सब झूठा झगड़ा है, भगवान ही सत्य है। 12 दिन जब बीत गए वो बेहोश हो गया बच्चा, क्योंकि एक तो चोट थी, चोट में खाना पीना होता नहीं है, चीखना चिल्लाना, सच्ची पुकार निकली। 12वें दिन वो बेहोश हो गया, बेहोशी में उसको ऐसा लगा कोई आया है। कौन आया था, गोपाल, बालक रूप में आए। गोपाल जी किस रूप में रहते हैं,
हाँ, और वो आकर के उन्होंने मूर्छा अवस्था में अपनी रजमानी मिट्टी उनके सिर में लगा दिया और इतना उसको दिखाई पड़ा और ठीक हो गया। थोड़ी देर में 12वें दिन की रात में ये घटना घटी थी और जाग करके उसने कहा माँ माँ। माँ सोचने लग गई कि अभी तो बेहोश था, ये क्यों चिल्ला रहा है। गया तो बच्चा बैठ गया था। अरे तू बैठ गया? हाँ माँ, तू तो मरने वाला था। माँ मैं बैठ गया, देखो मैं चल रहा हूं, चलने लग गया। अरे ये क्या हुआ बेटा? माँ मैं बेहोश था, एक लड़का आया, सांवरा सा था, हमने देखा उसको मोर पंख का मुकुट था जैसा वो सुनाती थी और उसके हाथ में क्या थी? बंशी। और उसने आकर के ये रज लगाया हमारे सिर पर और उसके बाद मैं एकदम उठ के बैठ गया और अच्छा हो गया। वो कौन था? माँ बोली वही था भगवान, जिसको भगवान कहते हैं। जब मनुष्य भगवान को बुलाता है सब सहारा छोड़ करके, नर आशा छोड़ करके, नर आशा माने मनुष्यों के सब सहारे, संसार के जितने हम लोग साधु बन जाते हैं लेकिन नर आशा करते हैं। सेठ आ गया कुछ पैसा देगा, कोई कपड़ा बांटने वाला आया एक कपड़ा देगा। नर आशा नहीं करनी चाहिए, ये बात सीख लो। देखो एक बात तुमको, हालांकि देर हो गई है लेकिन सुनाएंगे क्योंकि ये बात सच्ची है और तुम्हारे सामने हुई है, आंखों देखी बात है। जैसे साल बेग की बात तो देखी नहीं किसी ने, सुनी सुनी सुनाई भाई सुना रहे हैं। ये घटना अभी हुई है, जमुना यात्रा में तुम लोग थे ना? हैं, जमुना यात्रा जब यहां से उठी, कहां से? कोसी से, तो हमारे पास लोग आए और ये सुन रहे थे, माधवीशन सुन रहे थे, प्रेस रिपोर्टर लोग आए, बोले महाराज आपकी यात्रा में 5,000 आदमी भी इकट्ठा नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी अलग यात्रा घोषणा किया था, तो हमारी यात्रा में कौन आएगा। हमने सुन करके हमने कहा ठीक है भाई, हमने तो भगवान के लिए उठाई है और ये पता लग गया था चल नहीं कर सकती है, फिर भी सरकार से बड़ी है कौन? बड़ी सरकार भगवान, उसके बल पर हम लोग चल रहे हैं।
तुम लोगों ने देखा 100,000 आदमी इकट्ठा हुआ, जबकि कहते थे 5,000 भी इकट्ठा नहीं होगा। और पुलिस ने भी रोकने की कोशिश किया छोटे बच्चों को, तुम लोग थे उसमें और तुम पुलिस को धक्का देकर के घुस गए, और तुम लोगों ने डुक भी चलाए, आए हैं कि नहीं? और पुलिस कुछ नहीं बोली, और 3-4 मील के चक्कर से तुम लोग पहुंचे वहां जंतर मंतर, है कि नहीं? बात सही है। उसके बाद वहां पहुंचने पर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी यात्रा वालों ने पहले से उन्होंने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया, रविशंकर, हेना, हेमा मालिनी और कौन कौन, और उनसे लिखवा लिया कि गंदी नाला बनेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे जो आदमी गए थे मिलने, उनसे मना किया, हम इतना ही दे सकते हैं, वो हम दे चुके हैं। तो चतुराई किया उन्होंने कि अब हमारी यात्रा को कुछ नहीं होगा, दांत तोड़ दिया सब, और बल्लभगढ़ वालों को सब उल्टा विरोध में डाल दिया कि अब आदमी कहां से आएंगे इनके पास। सब दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन भगवान की लीला, वहां आकर के घोषणा करनी पड़ी कि जमुना जी का पानी आएगा, और कोशिश चल रही है अभी। अब भी लोग जाते हैं तो सोचते हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, दांव लगा रहे हैं। अभी कल गए थे ये लोग राधाकांत वगैरह, आज भी गए हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि भगवान की दया है। दया क्यों है? ये तुम लोगों ने जो कीर्तन किया, छोटे बच्चों की भक्ति पर भगवान बहुत खुश होता है। इसलिए ये घटना तुम्हारे सामने घटी है, और भगवान की भक्ति में चमत्कार है। वो पढ़ाई तुमको यहाँ पढ़ाई जा रही है, और तुम लोग सीख रहे हो, ये पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं है। अब कितने लोग सीखते हैं, कितने रुकते हैं, कितने चले जाते हैं, पता नहीं। जो लड़के चले गए, उनके माँ बाप उनको ले गए कि हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, गणित नहीं पढ़ता है, वो चले गए बच्चे। शुद्ध भक्ति सीखने वाले बहुत कम हैं। तुम अगर रह गए तो जैसे अब चमत्कार हुआ और हो रहा है, ये स्कूल बन रहा है, हम पैसा मांगने नहीं गए, आज तक किसी से नहीं मांगा, अपने आप बन रहा है, और कोई मदद दे चाहे न दे, ये बनता रहेगा,
क्योंकि भगवान के भरोसे हम लोग चलते हैं। कोई आदमी मदद दे चाहे ना दे, कल हमने यही बात कही थी इनसे, तुम्हारी माता जी से, शुभा से, हमने कहा घबराओ नहीं। हमारे कीर्तन का भी बड़ा विरोध हुआ किसी जमाने में, गंदे शब्द लोग कहते थे, लड़कियां नहीं लौंडियां शब्द कहते थे, लौंडियां नाचती हैं। लेकिन दुनिया की निंदा से घबराना नहीं चाहिए। भगवान है और भगवान सहायता देता है। हर साल तुम लोग जाते हो, हमारी यात्रा में जाते हो ना, और किसी से पैसा नहीं मांगा जाता, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, ये कौन देता है? बस भगवान की भक्ति करो। Yeah.